हेलो गाइस, वन सेकंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीकेडी व्लॉग्स। तो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, आज का वीडियो काफ़ी थोड़ा सा स्पेशल होने वाला, क्योंकि हम लेने वाले गाइस आज एक न्यू बाइक की डिलीवरी। तो बाइक हमारी नहीं है, हमारे फ्रेंड की है। कौन सी बाइक आपको बताता हूँ। तो अभी हम जा रहे गाइस शास्त्री नगर, जहाँ से मैंने अपनी एंट्रो की डिलीवरी ली थी, उसी के बगल में कोई होंडा या हीरो का शोरूम। गाइस, आप लोग गैस कर सकते हो कौन सी बाइक हो सकती है। चलो आपको सीधा दिखाऊंगा, बताता नहीं जब तक आप लोग गैस करो कौन सी बाइक हो सकती है। वैसे मैं पहुंच चुका हूँ शास्त्री नगर मेट्रो स्टेशन, थोड़ा आगे जाके अपना शोरूम पड़ता है, उसी के बगल में होंडा का बोला भाई ने शोरूम, और बाइक कौन ले रहा आपको उनसे भी मिलवाता हूँ। इस साइड ही कहीं पर शोरूम है TVS का भी और होंडा की भी, तो अपने को आगे से जाना पड़ेगा यूटर्न लेके। तो यूटर्न लेके चलते कोई ऐसी बाइक बैंक के पास, भाई खड़ा है, फिर देखते हैं भाई कौन सी बाइक वो लेने वाले और उससे ही पूछेगा भाई कौन सी बाइक है। अच्छे, इतना सारा ट्रैफिक था मेरे इधर कि मैंने व्लॉग शूट किया बट दिखाया नहीं, ट्रैफिक कुछ ज़्यादा ही था। यहाँ पे देखो कितना खाली हो रहा है शास्त्री नगर की साइड। अपने को जाना गाइस इसी के अंदर होके यूटर्न लेंगे, क्योंकि अंदर ही अंदर बना रखा ठीक है, वरना आगे से बहुत लंबा चक्कर ला के जाना पड़ता है। तो यहाँ से काफ़ी ईजी पड़ता है अपने को, देख रहे हो यहाँ से स्कूटियाँ आ रही, इसी के अंदर जाएंगे। जिनकी अभी बाइक की डिलीवरी है, उनका पहले प्लान था कि भाई अपाची की बाइक लेंगे, RTR 200 या फिर 160, बट उनका प्लान अभी चेंज हो गया। बाइक अभी वो न्यू वाली वो मुझे तो पता, बट आपको भी पता चल जाएगा थोड़ी देर में। बट ये है कि अपाची नहीं होने वाली, मुझे लगा भाई TVS की बाइक लेंगे, उन्होंने पहले बोल रखा था कि डिलीवरी लेने चलना, मतलब ठीक है। भाई लोग पहुँचने वाले आ गए, कहीं शोरूम है, वैसे अपना TVS का शोरूम ही पहले पड़ता है, फिर बाद में कोई आएगा दिखाता हूँ। देखो तो गाइस, तो गाइस ये रहा अपना TVS का शोरूम, ये देखो, और होंडा भाई हो रहा, मतलब भाई कहीं इधर ही होगा, ये अपना शोरूम है और आगे होंडा का भी है। भाई लगाते इधर साइड में, देखते हैं भाई कहाँ पे, कॉल करता हूँ उनको। पहुँच चुके गाइस होंडा के शोरूम, और SBI बैंक भी इधर ही है। इस गाड़ी कर दी है लॉक, अब चलो चलते हैं शोरूम के अंदर। ये रहा होंडा का शोरूम, और बाइक भी भाई सामने ही रेडी हो रही है भाई। ये रे, और किन की बाइक है उनसे भी मिलवाता हूँ। देखो न्यू एक्टिवा खड़ी है विथ गाइस गोल्डन अलॉय, इसके साइड से दिखाता हूँ कितना ही गाइस, देख रहे हो खतरनाक लुक आ रहा है भाई। ये पूरा लगभग गोल्डन कलर का, और इसका है एक्टिवा प्रीमियम। तो गाइस ये एक्टिवा प्रीमियम है, जिसके अंदर आपको फर्स्ट में कुछ गोल्डन का ग्राफिक साइड से मिल जाते हैं, और पूरा जो इसका अलॉय व्हील है दोनों साइड का, यस गाइस दोनों साइड का आपको इसके अंदर गोल्डन अलॉय मिल जाता है। वहाँ पे रेड वाला भी देखो, बाइक SP125 होंडा की, फ्रंट से दिखा दो, देखो कैसा दिख रहा है। डिजिटल कंसोल कुछ ऐसा गाइस, इसका फुली डिजिटल अभी तो, एंड फ्रंट से कुछ ऐसा लुक दे रहा, देखो SP125 होंडा का आपको दिखा दो। देखो गाइस जरा SP125 को इसका डिजिटल कंसोल दिखा दो ऑन करके, फुली गाइज आपको डिजिटल मीटर मिल जाता है। एंड यहाँ पे गाइज गियर कंसोल भी दे रखा, जो कि आपको दिखाया फर्स्ट सेकंड थर्ड, अभी न्यूट्रल में है तो यहाँ पे एंड है, तो एक ठीक है एडवांटेज है कि आपको गियर का इंडिकेटर भी मिल जाता है। इस लाइट की बात करें तो आपको इसके अंदर फुली LED सिस्टम मिल जाता है, जो कि देख लो अभी ये नॉर्मली जल रहा, जब स्टार्ट करेंगे तो इसका मेन हेडलाइट भी स्टार्ट हो जाएगा। फुली LED सिस्टम इसके अंदर दे रखा, बस आपको इसके अंदर जो इंडिकेटर से हैलोजन मिलेंगे, बाकी बाद लाइट हो गया, ये इसका डिजिटल मीटर है, फुली LED है। और एक बार आपको इसका एग्जॉस्ट दिखाता हूँ, देखो तो आपको कुछ एग्जॉस्ट इस तरीके का मिलने वाला, और टायर आई थिंक दोनों के दोनों ट्यूबलेस ही होने वाले हैं। कुछ टेल लाइट गाइज ऐसा लुक देता, जो कि ये भी ठीक है। और सीट की कंफर्ट की बात करें तो गाइज आप सीट देखो, काफ़ी वाइड आपको मिल जाता है, जो कि पिलियन के लिए भी सीट आपको सही मिलता है। इसका क्रैश गार्ड भी ये रहा, जो कि लगने वाला देख लो, तो यहाँ पे फिट हो जाएगा प्रॉपर तरीके से, क्रैश गार्ड लग जाएगा, एंड सीट और कुछ सीट कवर सब लग रहे हैं, और ये मैंडेटरी आपको मिल जाता है फर्स्ट एड, और थोड़ा मोड़ा टूल बॉक्स होता है। बाइक प्रॉपर तरीके से रेडी हो चुकी है, इसका जो क्रैश गार्ड होता है सारे लग चुके, और बाइक वैसे खोल ले रहे हैं, तो इन्होंने लिया भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रदर। तो महेंद्र भाई है, इन्होंने इतनी बाइक ली, इनका पहले प्लान था गाइज अपाची लेने का, बट इन्होंने ये वाला लिया, ठीक है भाई काफ़ी अच्छा ये माइलेज देगा, और परफॉर्मेंस भी गाइज काफ़ी अच्छी होगी इसकी, और माइलेज अच्छा खासा इससे मिलने वाला जहाँ तक मुझे पता है। तो अभी बाहर लेके आ चुके हैं, और हो रही गाइज अपनी स्कूटी, क्या निकलने के लिए जगह नहीं है। तो बाबा देखो कितनी अच्छी लग रही गाइज, नहीं खुली, काफ़ी साइलेंट बाइक है, आप लोग बताना आपको कैसा लग रहा है। मुझे तो काफ़ी ठीक लग रहा है,
लुक के हिसाब से काफ़ी स्टाइलिश भी है और अपने बजट में भी काफ़ी अच्छा रहेगा और आपको इससे गाइस माइलेज भी काफ़ी अच्छा खासा मिलने वाला है। राउंड लेके देखो आराम से।